कल से ये समस्या देखने को आ रही है। कई सारे मजदूर हैं जो पैदल ही यहाँ से जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो पूछने पे पता चला कई लोग ऋषिकेश तक जा रहे हैं, तो कुछ श्रीनगर तक जाना चाह रहे हैं, और कुछ का घर सहारनपुर बता रहे हैं अपना। हम उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को वापस भी भेज रहे हैं। जो हमने व्यवस्थाएँ बनाई हैं यहाँ पर, उस व्यवस्था उनकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तो लेकिन कुछ तो इधर उधर से निकल जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को हम लोग वापस भेज दिया है। और जिन ठेकेदारों के अंतर साथ ही काम कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की, और वो लोग जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। उनसे कहा गया है कि वो जिम्मेदारी उठाएं और इन लोगों की मदद करें। कोरोना वायरस के बचने के लिए तो जो बहुत ज़्यादा अफवाह हो रहे हैं उनको दूर करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो चेक पॉइंट हैं शिरोबगढ़ चिरबिटिया, वहाँ एक संयुक्त टीम लगी हुई है जो मेडिकल पुलिस और प्रशासन की टीम है, एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं बाहर से उनकी जांच की जा रही है। अगर लोकल कोई आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन हम लोग कर रहे हैं। उन पर एक मोहर भी हाथ पे लग जा रहा है कि कितने दिन तक होम क्वारंटाइन होना है। अगर कोई विदेश से जैसे आ रहे हैं तो उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिसमें कि रुद्रा पॉइंट रुद्रप्रयाग और GMDN तिलवाड़ा में हम लोग रख रहे हैं उसको। तो अभी हमारे पास 49 इस टाइप के हैं जो विदेश से आए हुए हैं, उसमें से सबको रखा हुआ है, रोज़ उनका चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक नहीं है उनको। और उसमें से जिनका 14 दिन पूरे हो जाएंगे धीरे धीरे वहाँ से रिलीज कर देंगे, और बाकी 14 दिन वो घर पे फिर क्वारंटाइन में रहेंगे। जहाँ तक सामान का है तो हमारे पास अभी काफ़ी मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं और N95 हैं, PPE किट भी नहीं मिल रहे हैं अभी, काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जहाँ भी मिल रही है हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लें, और हम उसको यहाँ पर्याप्त अभी 57 किट हमारे पास अभी हैं जो खर्च होने के बाद हैं। हमारे पास अभी 3 जो आइसोलेशन में थे इन्हों नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो इसीलिए और थोड़ा सा हम लोगों का प्रेशर और है कि गाँव वाले में नहीं फैले, तो गाँव पर ध्यान दिए हम लोग दे रहे हैं। तो उसके लिए डेस्क बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें आशा के द्वारा, ANM के द्वारा, हमारे ब्लॉक लेवल के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा। अभी इनिशियली 1000 पैकेट जो है ड्राई राशन के तैयार किए गए हैं, उसमें थानों के द्वारा, चौकियों के द्वारा भी हम परीक्षण करा रहे हैं कि कहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो बेसहारा हैं या कोई ऐसे मजदूर हैं जिनकी दिहाड़ी अब नहीं मिल रही है, उनके पास राशन की किल्लत है, तो उनको सूचना देके और ड्राई पैकेट उनके तक पहुँचाया जा रहा है, और कुछ लकड़ियाँ खाना बनाने के लिए भी उनको मुहैया कराई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पुलिस कर्मचारी सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको बार बार ब्रीफ किया जा रहा है कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, वो हमारे जो नोडल इंचार्ज हैं जनपद के, उनके द्वारा भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हम भी उनको बार बार ब्रीफ कर रहे हैं।